रियल लर्नर्स आपने पुरानी कहानी सुनी फिर आपने सुना कि ऑनरप्रनरशिप एज अ डिसिप्लिन किस तरह से इमर्ज हुआ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑन्टरप्रन्यशिप की करंट प्रैक्टिसेस क्या हैं सो द एजेंडा ऑफ दिस वीडियो इज कि हम बात करेंगे व्हाट आर इंक्यूबेशन सेंटर्स नंबर टू के स्टार्टअप कॉम्पिटिशन और प्लेटफॉर्म्स क्या रोल प्ले करते हैं और तीसरा अगर आपको डेटा चाहिए ऑन्टप्रनोरशिप का तो वो आप कहाँ से ले सकते हैं तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स क्या होते हैं बाई डेफिनेशन बिजनेस इंक्यूबेशन इज अ प्लेस दैट हेल्प स्टार्टअप कंपनीज टू डिवेलप एंड ग्रो बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज सच एज मैनेजमेंट ट्रेनिंग नेटवर्किंग मैंटोरिंग एंड ऑफिस स्पेस यानी ये जो हमने सुना कि जो एंटरप्राइजिंग माइंडसेट वाले इंडिविजुअल्स हैं ये रिसोर्सेज को अनकन्वेंशनल और इनोवेटिव वे के अंदर इकट्ठे बंडल करके हमारे लिए कुछ नई प्रोडक्ट्स या सर्विसेज लेकर आते हैं तो इनके लिए कोई ना कोई ऐसी जगह जरूर होनी चाहिए जहां पे ये सारा अपना ये वाला प्रोसेस कर सकें ऑनटरप्रोरशिप का आगाज हमेशा शेकी होता है यानी अगर आप ऑनट्रप्रोर बनना चाहते हैं तो आपको इनिशियली कुछ मुश्किल का सामना करना पड़ता है बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स इस पूरे प्रोसेस में आपको हेल्प आउट करते हैं बाय द डेफिनेशन आपने देखा कि बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर्स एक ऐसी जगह है जो अपना ऑन्टपनोर करियर स्टार्ट करना चाहते हैं वो वहाँ पर जमा होते हैं अपने बिजनेस आइडियाज़ और मॉडल्स को लेकर आते हैं इनक्यूबेशन सेंटर्स उनको हेल्प करते हैं उनकी एक तो मैंटोरिंग करके फिर उनको इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मिलवा के यानी प्रोफेशनल एडवाइजर्स दे के उसके अलावा उनको जिस तरह एक रॉकेट लॉन्चर को स्पेस में छोड़ने के लिए एक लॉन्च पैड होता है इसी तरह आप समझें के नया बिजनेस यानी जो स्टार्टअप्स होते हैं ये बिज़नेस इनक्यूबेशन सेंटर्स उनके लिए एक लॉन्च पैड का रोल प्ले करते हैं बहुत से आ, हमारे स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स अपने बिज़नेस आइडियाज़ को लेकर इन बिज़नेस इनक्यूबेशन सेंटर्स में आते हैं तीन महीने या छः महीने का अपना टाइम पीरियड वहाँ कंप्लीट करते हैं और उस दौरान अपने बिजनेस मॉडल्स को मेच्योर भी करते हैं थोड़ी सी मार्केट टेस्टिंग भी हो जाती है एक्सपर्ट एडवाइज भी मिल जाती हैं और इस तरह वो एक बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर से अपने बिज़नेस का एक ज़्यादा बेहतर आगाज कर पाते हैं जो हायर एजुकेशन कमीशन है पाकिस्तान ए ची भी काफ़ी ज़्यादा इस बिज़नेस इनक्यूबेशन सेंटर्स को प्रमोट करता है और पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अब बहुत इनक्यूबेशन सेंटर्स देखने में आते हैं जिस तरह वर्चुअल यूनिवर्सिटी भी स्टूडेंट स्टार्टअप बिजनेस सेंटर के नाम से एक इनिशिएटिव लेकर आया ये इनिशिएटिव भी एच और पेप फाउंडेशन की एक कलेक्टिव एफर्ट है और यहाँ पर भी हम स्टूडेंट जिनके पास एक अच्छे बिजनेस आइडियाज हैं उनको अपने इंक्यूबेशन में लेकर आते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं मैंटोरिंग एडवाइजर्स और थोड़ा सा सीड मनी भी ताकि उनके लिए अपने बिजनेस को रन करना इनिशियली आसान हो जाए इन अदर वर्ड्स अगर आप पाकिस्तान में देखना चाहते हैं तो ये एक लिस्ट है ये तमाम की तमाम लिस्ट है उन तमाम इंक्यूबेशन सेंटर्स की जो इस वक्त पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं जिनमें प्लान नाइन का नाम आपने बहुत सुना होगा नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर का नाम आपने बहुत सुना होगा इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट इनोवेशन सेंटर इसी तरह वी क्रिएट सेंटर जहां पर ज्यादातर वुमन ऑन्टरप्रीनियोरशिप को भी बहुत प्रमोट किया जाता है ये सारे पाकिस्तान के अंदर इनक्यूबेशन सेंटर्स हैं जो कि यंग ऑन्टरप्रनोर्स को जो अभी फिलहाल अपने बिजनेस मॉडल को मेच्योर कर रहे हैं और इंडस्ट्री में बाकायदा अपने स्टार्टअप को लॉन्च करना चाहते हैं उनको ये तमाम फैसिलिटीज ऑफर कर रहा है अब आपको लेके चलते हैं एक और वेबसाइट की तरफ क्योंकि लोकल प्लेटफॉर्म्स के अलावा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहा पे जाके आप ये इनक्यूबेशन सर्विसेज हासिल कर सकते हैं तो चलिए हम देखते हैं ट की इस वेबसाइट को अगर आप जाएं टाई डॉट ओ आर जी के ऊपर तो टाई स्टैंड the विच वॉज फाउंडेड इन नाइनटीन in टू by Silicon वैली सक्सेसफुल entrepreneurs, corporate executives, सीनियर प्रोफेशनल्स और इनका परपज यही था कि इंडस रीजन के अंदर ऑन्टप्रनोरशिप को प्रमोट किया जाए टाई किस तरह से ऑंटरप्रनोरशिप को प्रमोट करता है वाइल प्रोवाइडिंग मैंटोरिंग नेटवर्किंग एजुकेशन फंडिंग एंड इनक्यूबेशन सर्विसज जिस तरह इस वक्त हम आपको ऑन्टरप्रीनियोरशिप पढ़ा रहे हैं तो वी आर प्रोवाइडिंग यू दी एजुकेशन और इसी तरह वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो इनिशियेटिव है स्टूडेंट स्टार्टअप बिजनेस सेंटर वहाँ पर आपना बिजनेस आइडिया लेकर आते हैं तो आपको मैंटोरिंग एक्सपर्ट एडवाइज और किसी हद तक सीड मनी भी मिल जाता है अगर आप ऑन्टरपनीर हैं तो इन्फॉर्मेशन तो आपके पास होनी ही चाहिए सो so, आपको अगर ये जानना है कि आपको ऑन्टरप्रीनोरशिप के बारे में डेटा कहाँ से मिलेगा तो आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं दैट इज़ ग्लोबल ऑन्टप्रनीोरशिप मोनिटर ये एक बहुत यूज़फुल वेबसाइट है और वो तमाम के तमाम यंगस्टर्स जो ऑन्टप्रनोरशिप को एज अ डिसिप्लिन स्टडी करना चाहते हैं और वो भी जो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं इंटरनेशनली उनको ये वेबसाइट ज़रूर विजिट करनी चाहिए यहाँ पर बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जैम क्या करता है जैम एक बहुत हाई क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट्स में कंपाइल करके इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ आपके लिए वो रिपोर्ट्स प्रेजेंट करता है और जैम की प्रोवाइडेड रिपोर्ट्स यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वर्ल्ड बैंक और ओ जैसे एजेंसीज भी वहाँ से जो भी डेटा आ रहा होता हेल्प ले रहे होते हैं उस डेटा से जैम दो तरह का डेटा इकट्ठा करता है यानी ऑनटरप्रन्योर के इंडिविजुअल बिहेवियर्स के ऊपर भी और दूसरा जो डेटा इकट्ठा किया जाता है इन द नेशनल कॉन्टेक्स यानी कि सारा का सारा जो एक इन्वायरमेंट है किसी भी मुल्क का वो ऑन्टरप्रनीरशिप पे किस तरह से इम्पैक्ट करता है यानी आप इस पेज पे जाएंगे तो आपको दोनों तरह का डेटा मिल जाएगा इंडिविजुअल्स का डेटा भी मिल जाएगा और उसके अलावा इंडिविजुअल्स के साथ साथ पूरा एक नेशनल कॉन्टेक्स्ट में एक पूरा ऑन्टरप्रनोरशिप के फ्रेमवर्क या इन अदर वर्ड्स इको का डेटा भी मिल जाएगा ये ऑन्टरप्रन्योरशिप में हम बार बार इकोसिस्टम की जो बात कर रहे हैं इस पर हम डिटेल में बात करेंगे आपको समझाने के लिए क्विकली सिर्फ इतना बता दें कि जब आप अपना एक वेंचर इस्टेबलिश कर रहे हैं या एक एग्जिस्टिंग बिजनेस बाय कर रहे हैं तो यू आर नॉट डूइंग योर बिजनेस इन वैक्यूम आपका बिज़नेस है आपके बिज़नेस के साथ आपके कंपेटिटर्स हैं उसके अलावा इंडस्ट्री है आपके इर्द गिर्द एक लीगल सिस्टम है एक पॉलिटिकल सिस्टम है एक इकोनॉमिक सिस्टम है कंज्यूमर्स हैं मार्केट है आपकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वो भी आपके बिज़नेस पर असरअाज़ हो रही होगी सो so, इसीलिए ये पूरे के पूरे सिस्टम को हम एकको कहते हैं आपका बिजनेस इस पूरे सिस्टम में होने वाले जितनी भी चेंजेस हैं उससे मुतासर हो रहा होता है इसीलिए जेम आपको ना सिर्फ ऑन्टरप्रनोरियल बिहेवियर बल्कि पूरे के पूरे नेशनल कॉन्टेक्ट का डेटा भी प्रोवाइड करता है जेम ने 2012 में पाकिस्तान के ऊपर एक रिपोर्ट शायद की थी जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के ऑन्टरपिनोरियल कॉन्टेक्स में थी 2012 के बाद अभी तक कोई नया डेटा नहीं आ सका टू कंक्लूड विद अगर आप किताबें पढ़ने के शौकीन हैं और आप किताबें पढ़ना चाहते हैं और ऑनटरप्रोर शिप ऑनटरप्रीनियोरशिप पर नई किताबें पढ़ना चाहते हैं तो एक दो बुक्स आपको रेकमेंड कर दें जो कि बहुत अच्छी हैं फॉर एग्जांपल ये बुक देखिए द इनोवेटर्स डलैम उसके अलावा द लीन स्टार्टअप और उसके अलावा जीरो टू वन और अगर आप उर्दू में किताब पढ़ना चाहते हैं तो डॉक्टर अमजद साकिब की कामयाब लोग इसमें बहुत बेहतरीन एडवाइजेज हैं इसमें बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं इसमें बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजीज हैं किसी भी नए बिज़नेस यानी स्टार्टअप को शुरू करने के लिए सो so, इन किताबों को पढ़िए और अपने ऑन्टपनोरियल नॉलेज को और ज़्यादा इंहेंस कीजिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो